हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। बेस्ट जायका किसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों में अंडे खाना किसे पसंद नहीं होता, इसलिए आज मैं अपनी किचन में लेकर आई हूँ आप सबके लिए अंडे से बनने वाली एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को थम्स अप जरूर दे। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन में और बना लेते हैं प्लीज रेसिपी को। जो रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमने ये कच्चे अंडे ले लिए हैं, 5 अंडे हैं। इनको पहले हमें उबालना है। उबालेंगे किस में? हम उबालेंगे इनको इडली कुकर में। इडली कुकर में अंडे कैसे उबालते हैं यह रेसिपी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो में डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक कर लें। इडली कुकर में अंडे बहुत ही जल्दी उबल जाते हैं, 5 मिनट के अंदर ही उबल कर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे उबलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो। अंडों को उबालने के लिए हमने इडली कुकर ले लिया है, इसमें पानी डाल लिया है। अब हम ये इडली की ट्रे लेंगे और ये जो हमने अंडे लिए हैं इसमें से हम 4 अंडे उबाल लेंगे। एक अंडे का हमें आगे यूज करना है, वो मैं आगे बताऊँगी। देखिए, 4 अंडों को हमने ट्रे में रख दिया है। अब हम इडली कुकर में रख देंगे और इसको गैस पर रख देंगे और उबाल देंगे। 5 मिनट में अंडे उबल कर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी रेसिपी को बनाएंगे। अंडे उबल चुके हैं, चलिए अब हम अपनी रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले हमें अंडों को छील लेना है। चलिए छील लेते हैं। ये देखिए इडली स्टैंड में कितने अच्छे अंडे उबल कर तैयार हुए हैं और बहुत ही जल्दी उबल चुके हैं 5 मिनट के अंदर। चलिए सभी अंडों को हम छील लेते हैं। देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, इडली कुकर में अंडे उबालने से बहुत ज़्यादा हमारा समय बच जाता है। हाँ, अंडे 15 मिनट में उबलते हैं और ये 5 मिनट में उबलकर तैयार हो गए। चलिए सभी अंडों को छील लेते हैं और आगे रेसिपी को बनाते हैं। आगे अपनी रेसिपी को बनाने के लिए हमने ले लिया है ये 1/4 कप पनीर लिया है। इसको हमने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकती हैं, कद्दूकस में कद्दूकस कर सकती हैं। साथ ही में हमने ये ग्रीन शिमला मिर्च ली है 2 चम्मच, 2 चम्मच ये रेड वाली शिमला मिर्च है, 2 चम्मच ही येल्लो वाली शिमला मिर्च है, और ये फूल गोभी ली है हमने 2 से 3 चम्मच, 3 हमने हरी मिर्च ली है इसको भी बारीक बारीक काट लिया है, 1 हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन को कूट लिया है। चलिए अब चलते हैं आगे। सबसे पहले गैस पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा ही तेल डालें। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन जो हमने कूट कर रखा है, थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे। साथ ही में डाल देंगे हम इसमें प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है 1-2 मिनट तक। गैस की फ्लेम को आप लो रखें, इसको चलाते हुए भून लें 1 मिनट। प्याज को भूनने के बाद अब हम ये सारी सब्जियाँ जो हमने ली हैं सभी डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च, गोभी, शिमला मिर्च और साथ में पनीर भी डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये हमने 1/4 चम्मच नमक लिया है, डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, सभी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसको 1 मिनट तक ढक कर पका लेंगे ताकि सब्जी हमारी थोड़ी सी गल जाए। आप इसमें अपने अनुसार कोई भी सब्जी डाल सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो डालें, जो पसंद ना हो आप उसको स्किप कर दें। चलिए हम इसको 1 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट हमने सब्जियों को ढककर पका लिया है। सब्जी थोड़ी सी गल चुकी है, अभी हमने हरा धनिया लिया है इसको भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे।
अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आगे अपनी रेसिपी को बनाएंगे। सबसे पहले अंडों को हमें देखिए ऐसे जो इसका येलो पार्ट है उसको अलग कर लेना है, काट कर काट लेंगे और इसको येलो पार्ट को अलग कर लेंगे और जो वाइट वाला पार्ट है उसको हम अलग रख देंगे। सभी अंडों को हमें ऐसे ही अलग कर लेना है। देखिए सभी अंडों को हमने अलग कर लिया है, येलो पार्ट को और वाइट को अलग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको हमें बारीक बारीक काट लेना है। ऐसे चाकू की सहायता से आप इसको काट लें। सभी अंडे ऐसे ही काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी अंडों को हमने काट कर रख लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमें लेना है खाली बाउल, कोई भी खाली बाउल ले लें और ये जो अंडे हमने काटे हैं ये सभी अंडे हम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही में ये जो येलो वाला पार्ट निकाला था उसको भी डाल देंगे और ये जो हमने सब्जियां काटी थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है सब्जियों का, सभी को डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमने ये जो अंडे लिए हैं कच्चे, दो अंडे हैं, इनको हम फोड़ लेंगे। देखिए दोनों को हमने अंडों को फोड़ दिया है और इनको अब हम इन्हें अच्छे से चम्मच की सहायता से इनको मिला लेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये जो अंडे हमने फेंटे थे इसमें से हम थोड़ा बैटर इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद ये हमने लिया है दो चम्मच चावल का आटा, इसमें से हम थोड़ा सा आटा इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं। हमने चावल का आटा लिया है इसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब चलते हैं हम गैस के पास। गैस पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम अपनी रेसिपी को बनाएंगे। अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और ये जो हमने बैटर बनाया है इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर हम इसकी एक बोल बनाकर तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। देखिए एक बारी में जितनी आए उतनी आप डाल दें। अभी हम इतनी ही डालेंगे और एक मिनट तक इसको ऐसे ही सिकने देंगे, उसके बाद हम इनको पलट लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इनको पलट पलट कर सेक लिया है। एक बैच हमारा तैयार हो चुका है, बाकी बैच को भी हम ऐसे ही सेक कर तैयार कर लेंगे। सभी बैच को हमने सेक कर तैयार कर लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमने गैस पर एक पैन को रख दिया है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन को हमने कूट लिया है 1 चम्मच है, अच्छे से इसको मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा पिंक लगाने तक पकाएंगे। 1 मिनट प्याज और लहसुन को पकाने के बाद अब इसमें डाल देंगे, हमने 2 हरी मिर्चों को काट लिया है बारीक बारीक, ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया है तो डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने अंडे के पकौड़े बनाए हैं, मंचूरियन बनाए हैं, उनको डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच टमाटर केचप, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ये हमने लिया है सेजवान सॉस। सेजवान सॉस ना हो तो आप सेजवान सॉस है उसको भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर दें। टमाटर केचप भी डाल लें जिसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा थोड़ा सा ठंडा कर इनको सर्व कर लेंगे।
तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार एग मंचूरियन। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। साथ ही में ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।